हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर मैं सिवा सिविल अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस का एक वॉकओवर करने वाले हैं। ये इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आता है। इसका बॉक्स कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। इसके अंदर आपको मिलेंगे एक एडाप्टर, चार्जिंग एडाप्टर जो कि नॉर्मल चार्जिंग है, और कुछ पेपर वर्क्स, और एक नॉर्मल जो सैमसंग का ईयरफोन होता है वो मिलेगा आपको, और एक केबल मिलेगा चार्जिंग के लिए। इस मोबाइल का अपीयरेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्लीक और यूनिक डिज़ाइन दिया गया है इसको। 2.5D कर्व ग्लास है इसका, और ग्लॉसी फिनिक्स के साथ आता है। पीछे आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा विच सैमसंग सेंसर। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। ये आपका डिवाइस ऑन हो चुका है। परफॉर्मेंस इज नॉट बैड, एक्चुअली एट द प्राइस रेंज इट इज गुड। और बाकी और बातें करी जाए तो इस मोबाइल को लिए हुए मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीनों के अंदर हम सोचे कि आपको बता दिया जाए कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। रिव्यू पे नए पे तो सब करता है कि अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। कुछ दिन चलाने के बाद जो रिव्यू होता है, एक्चुअली में मुझे लगता है कि रिव्यू वहीं सही होता है कि आप उसको चलाकर देखने से पता चलता है कि वो कैसा चल रहा है। तो चलिए, हमारी मोबाइल ऑन हो चुकी है, देखते हैं इसका अपीयरेंस कैसा है। तो वाकई सैमसंग ने इसको एक बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि 5.99 है, मतलब नियर अबाउट 6 इंच का। इसका जो परफॉर्मेंस है स्क्रीन का, काफ़ी स्मूथ है। ये 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। इसमें डुअल 4G का ऑप्शन है और 12 GB का इसमें आपको एक्सटर्नल स्टोरेज मिलता है। एंड्रॉयड बोस्ट ओरियो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। स्नैपड्रैगन ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिलता है दोस्तों। इसमें फेस अनलॉक की भी सुविधा दी गई है। आज के लिए बस इतना ही।